पूरे देश में नए ट्रैफिक नियमों को लागू होने के बाद चालान को लेकर हर तरफ चर्चा है। गुजरात के बड़ोदरा में एक व्यक्ति ने चालान से बचने का अनूठा तरीका निकाला है। दरअसल बड़ोदरा के राम शाह ने चालान से बचने के लिए ऐसा आइडिया निकाला है जिसे देखकर ट्रैफिक पुलिस भी खुश हो रही है। अपने दो पहिया वाहन से चलने वाले राम शाह ने अपने हेलमेट पर ही गाड़ी की RC बुक, बीमा की स्लिप, ड्राइविंग लाइसेंस सहित सभी जरूरी कागजात चिपका लिए हैं। अब राम शाह को जैसे ही ट्रैफिक पुलिस रोकती है तो सब कुछ हेलमेट पर ही मिल जाता है और पुलिस भी खुश हो जाती है। राम शाह का कहना है कि इससे मुझे भी परेशानी नहीं होती है और हरजाना भरने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बता दें कि 1 सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है। इसी के साथ ही ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि भी कई गुना बढ़ा दी गई है। दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम, बेंगलुरु, हर जगह पुलिस लगातार लोगों का चालान काट रही है। हाल ही में बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने पिछले 5 दिनों का डाटा जारी किया है जिसमें चालान के तौर पर 72,49,900 रुपये वसूल किए गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा चालान हेलमेट ना पहनने के लिए काटे गए हैं। फिर चाहे दोपहिया वाहन चलाने वाला हो या फिर बाइक पर पीछे बैठने वाला, बेंगलुरु पुलिस की तरफ से जारी 4 सितंबर से 9 सितंबर तक का डाटा जारी किया गया है। बता दें नया ट्रैफिक एक्ट लागू होने के बाद किसी भी कारण से लगाए जाने वाले जुर्माने को लगभग 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है। नया मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद बिना लाइसेंस ड्राइविंग करने पर 5,000 रुपये और शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना काटा जा रहा है। यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो वाहन मालिक को जेल हो सकती है। इसके अलावा तेज़ रफ्तार में वाहन चलाने पर 1,000 से 2,000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है जो कि पहले 400 रुपये था। सोशल मीडिया पर तभी से इस मसले पर बहस हो रही है। कई जगह पुलिस वालों के भी नियमों का उल्लंघन करने पर चालान कटे हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस पर कहा है कि लोगों को कानून का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि उनका भी चालान कट चुका है। तो दोस्तों ये खबर बस यहीं तक। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। हमारी और खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बराबर में जो बैल का आइकन देख रहे हैं इसे भी टच कर दें ताकि आप देख सकें हमारा वीडियो सबसे पहले। ख्याल रखें अपना। धन्यवाद।